CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम मुफ्त कानूनी सहायता। यह कार्यक्रम सबके लिए शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थियों के लिए बनाई गई प्रवेशिका उजास के भाग दो के एक पाठ पर आधारित है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में हर नागरिक कानून की दृष्टि में समान अधिकार रखता है। हर नागरिक को अपनी बात कहने या अपना पक्ष रखने की सुविधा प्रदान करने के लिए जगह जगह पर प्रशासन द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र बनाए गए हैं। जी हाँ साथियों, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप और हम भी कहीं ना कहीं कानूनी सहायता संबंधी छोटी सी जानकारी साझा करके अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। ज्ञानों का बुरा हाल है, उसके बेटे श्रवण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दुकान में श्रवण ने ही आग लगाई है। झुनुआ की दुकान में कल रात आग लगी थी। दुकान का बहुत सा सामान जलकर राख हो गया था। अभी पता नहीं चल सका था कि आग कैसे लगी और पुलिस ने आकर श्रवण को गिरफ्तार कर लिया। श्रवण की गिरफ्तारी की खबर आनन फानन फैल गई। ज्ञानो समझ नहीं पा रही थी कि श्रवण को छुड़ाए कैसे। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं, कैसे छुड़ाऊं अपने बच्चे को, किससे मांगूं मदद। मैं एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। आसपास के लोग भी उसी की तरह गरीब थे, लेकिन आखिर आशा की किरण चमकी। ज्ञानों को मीना ताई की याद आई। मीना ताई बचा लो मेरे बेटे को। अरे ज्ञानो, क्या हुआ? मीना ताई क्या बताऊं, श्रवण को पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस पकड़ कर ले गई? हाँ, पुलिस वाले कह रहे हैं झुनवा की दुकान में आग लग गई है। कह रहे हैं वो मेरे बेटे श्रवण ने ही लगाई है मीना ताई। अरे ज्ञानो चुप हो जाओ। अरे रो मत, पहले तुम चुप तो हो। अच्छा तुम परेशान मत हो, चलो हम सलाह लेने चलते हैं। कहाँ? मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र, वहाँ से हमें जरूर मदद मिलेगी। वहाँ हम जैसे गरीबों को कागज पत्री यानी लिखा पढ़ी का खर्च या कोई दूसरी फीस भी नहीं देनी होती है। एकदम मुफ्त सहायता मिलती है वहाँ। अच्छा, चलो मीना ताई चलते हैं, जल्दी। चलो चलो ज्ञानो। साथियों, मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र तहसील, जिला, राज्य तथा केंद्रीय स्तर पर बने होते हैं। वहाँ गरीबों को वकील की सेवा मुफ्त मिलती है और जरूरी कागजात तैयार करने के लिए फीस भी नहीं देनी पड़ती है। अब ज्ञानो ने मीना ताई की मदद से सहायता अधिकारी को अपनी अर्जी दी। अधिकारी ने उसे कानूनी मदद का भरोसा दिलाया। अरे अरे, आप निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आप ये कागज लीजिए और इस पर साइन कर दीजिए। जी। अगले दिन श्रवण को अदालत में पेश किया गया। मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र के वकील ने जमानत के कागज जमा किए। जज ने पूछताछ की और जमानत मंजूर कर ली। आपकी जमानत याचिका मंजूर की जाती है और आपको रिहा किया जाता है। तो सुना अपने साथियों, मीना ताई ने एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य किस प्रकार निभाया। मीना ताई ने ज्ञानों को न सिर्फ मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र की जानकारी देकर मार्गदर्शक की भूमिका निभाई, बल्कि हर संभव उसकी सहायता भी की। इसके बाद मुकदमा चला और मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र से ज्ञानों को बराबर मदद मिलती रही। ज्ञानों को न तो वकील को फीस देनी पड़ी और न ही कागजों पर पैसा खर्च करना पड़ा। और हाँ साथियों, अंत में श्रवण के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला और वह अदालत से बाइज्जत बरी हो गया। साथियों, मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र की मदद की वजह से श्रवण बच गया। ज्ञानो और श्रवण की खुशी का ठिकाना ना था। वे आज भी मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र और मीना ताई की तारीफ करते नहीं थकते।
लाख लाख शुक्र है मीना ताई का, जिन्होंने मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र की जानकारी दी। अभी आप सुन रहे थे उजास प्रवेशिका भाग दो के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम मुफ्त कानूनी सहायता। अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।